पिछले एक साल में फेसबुक ने अपनी अप्रोक्सीमेटली 75% नेटवर्क को लूज कर दिया है। 2 फरवरी 2022 को फेसबुक ने अपनी एक रिपोर्ट शेयर की जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि फेसबुक अपना यूजर बेस एंड रेवेन्यू लूज कर रहा है, जिसके चलते एक ही दिन में फेसबुक ने अपनी वैल्यू में से $230 बिलियन का ड्रॉप देखा, जिसको अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप माना जाता है। और ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज के जीडीपी भी इतने नहीं है। और रिसेंटली एक और न्यूज़ आती है जिसके हिसाब से फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है और ये नंबर फ्यूचर में और बढ़ भी सकता है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क अपनी रेलेवेंस खो रहा है। Almost $200 billion has been wiped off the value of Facebook's parent company after it reported a drop in user numbers for the first time. Over the years, Facebook developed a dark side. It began sharing user data illegally, fighting with countries over user privacy. It began killing The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. The General of Washington, D.C. filed a lawsuit Wednesday against Facebook over the Cambridge Analytica scandal. Prosecutors are accusing the social media company of misleading users about the security of their data. Video में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ऐसे ही videos पसंद है तो इस channel को जरूर subscribe करें, जिसकी वजह से हम future में भी आपके लिए ऐसे ही videos लाते रहे। चलिए video की तरफ चलते हैं। जब भी हम Facebook का नाम सुनते हैं तो एक nostalgia की feeling आती है और हम में से ज़्यादातर लोग फेसबुक पे होंगे भी। अब फेसबुक स्टार्ट कैसे हुआ ये हम सबको पता है, हम वहाँ पे उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन फेसबुक रेलेवेंट में कैसे आया लोगों के लिए हम वहाँ पे फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं था कि फेसबुक से पहले कोई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, और माई स्पेस एक ऐसा ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, बट वहाँ पे कुछ गैप्स थे जिसको फेसबुक ने फिल किया, जैसे कि ग्लोबल रीच। फेसबुक एक रीजन या फिर कैटेगरी ऑफ पीपल को नहीं टारगेट करता था, उसकी रीच ग्लोबल थी। और उसके अलावा फेसबुक की सिक्योरिटी एंड यूज़र इंटरफेस भी क्लीन एंड फ्रेंडली था, एंड जहाँ पे बाकी के प्लेटफॉर्म यूनिक हैंडल नेम पे काम करते थे वहाँ पे फेसबुक लोगों को ये ऑप्शन देता था कि वो अपने नाम चूज़ कर पाए। और इन्हीं गैप्स को फिल करके फेसबुक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बन गया। बट टाइम के साथ कुछ ऐसे ही दूसरे गैप्स भी सामने आए जिनको फेसबुक अडॉप्ट एंड फिल नहीं कर पाया, एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया दूसरे प्लेटफॉर्म ने एंड वो पॉपुलर हो गए। जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें सबसे पहला है कि उनको नई ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है कि उनके अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे फीचर्स लाने पड़ेंगे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है। बट फेसबुक इन दोनों चीज़ों को करने में फेल रहा। अगर हम फेसबुक के लिए पहले ऑप्शन की बात करें कि उनको नए यूजर्स को टारगेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये केस है कि इस टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, जिसमें से 2.8 बिलियन लोग तो ऑलरेडी फेसबुक यूज़र है। जो बचे हुए 5.2 बिलियन लोग हैं उसमें से 2 बिलियन लोग ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे फेसबुक बैन है, जैसे कि चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। और बचे हुए 3 बिलियन लोगों के पास आज भी इंटरनेट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फेसबुक के पास नए यूजर्स को टारगेट करने के लिए इनफ ऑडियंस नहीं है। और इसके अलावा वर्ल्ड में किसी भी टाइम पे 15 से 20% पॉपुलेशन की एज 13 साल से कम होती है, तो वो फेसबुक यूज़र नहीं बन सकते। एंड एवरी ईयर फेसबुक अपने 1.6% यूज़र को डेथ की वजह से लूज कर रहा है, और लास्ट में 12.1% फेसबुक यूज़र्स की एज 55 से भी ज़्यादा है, और ये नंबर फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। और इसीलिए आज के टाइम पे फेसबुक को सोशल मीडिया का रिटायरमेंट होम भी माना जाता है। अगर हम नए फीचर्स की बात करें तो फेसबुक हमेशा से कॉपी और एक्वायर के मॉडल के ऊपर काम करता है, या तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म के फीचर्स को कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर देता है, या फिर अपने कॉम्पिटिशन को एक्वायर कर लेता है। और इसीलिए आज के टाइम पे फेसबुक के ऊपर सारे फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन उनमें से कोई भी फीचर्स बेस्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने कभी भी इनोवेटिव फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं की। 2021 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट में अनाउंस किया कि वो फेसबुक एंड उनकी दूसरी सब्सिडरीज को कंबाइन करके मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें आप वर्चुअली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इन चीज़ के ऊपर इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया क्योंकि मेटावर्स का यूआई इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं था,
और इसीलिए मार्क जुकरबर्ग को इंटरनेट के ऊपर ट्रोल भी किया गया था। और यही रीजन है कि आज के टाइम पे एडल्ट्स एंड टीनएजर्स फेसबुक के ऊपर एक्टिव नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से जहाँ पे 2014-15 में फेसबुक में 71% यूथ थे, वो 2022 में कम होके 32% हो चुके हैं। और दूसरी किसी भी एप्स में ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिला। एंड फेसबुक के 97% रेवेन्यूज एड से आते हैं और इसमें भी डिप देखने को मिला है। और इसके कुछ रीजंस है, जिसमें पहली चीज़ है रीसेंट अपडेट ऑन एप्पल प्राइवेसी पॉलिसी, जिसके हिसाब से अब से फेसबुक एप्पल यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो यूज़र लेवल पे टेलर मेड कस्टमाइज ऐड नहीं दिखा पाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में पहली बार एंड्रॉयड यूजर से ज़्यादा एप्पल यूजर्स है। एंड दूसरी तरफ गूगल, जो फेसबुक का एड कंपटीटर है, उनके पास फेसबुक के कंपेयर में यूजर्स की पर्सनल डिटेल ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कस्टमाइज ऐड दिखा पाता है। एंड ईयर ऑन ईयर गूगल का एड रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और टाइम टाइम पे फेसबुक के ऊपर यूजर्स का डेटा मिसयूज और थर्ड पार्टी को डेटा बेचने के भी एलिगेशन सामने है, जिसका हमें फेमस एग्जांपल मिला 2018 में, जहाँ पे कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फेसबुक का स्कैंडल सामने आया, जिसमें फेसबुक ने दिस इज योर डिजिटल लाइफ एप्लीकेशन के थ्रू 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा को कलेक्ट करके 2016 के यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट किया था। और इस न्यूज के बाहर आते ही फेसबुक का स्टॉक 40% से ड्रॉप हुआ था। और ऐसे ही दूसरे एलिगेशन, एंटी ट्रस्ट क्लेम या फिर सिविल लॉ सूट फेसबुक के अगेंस्ट आए हुए, या फिर उनके एक्स एम्प्लॉय ने ओपनली इन चीजों के ऊपर बात भी की है। 2021 में फेसबुक की सब्सिडियरी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किया था, जिसके साथ वे अपने डेटा को फेसबुक के साथ शेयर कर सकते थे, बट यूजर्स के अपोज करने की वजह से व्हाट्सएप को अपनी पॉलिसी को पुश करना पड़ा। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से फेसबुक अपनी रेलेवेंस खो रहा है। और आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ फेसबुक फ्यूचर में अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या कर सकता है, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।